नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए NFO SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के बारे में। दोस्तों, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे लाइफ में बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें, उनके सपने पूरे हो। कोई चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर आर्टिस्ट बने, बिजनेसमैन बने, स्पोर्ट्स पर्सन बने, या तो कोई प्रोफेशनल बने जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से। तो क्या आपको लगता है कि ये सब बिना पैसों के करना आज के ज़माने में मुमकिन है? नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। जो लोग अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग मध्यम वर्ग परिवार से हैं, उनके लिए ये बेशक बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि ये सारे सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए, तो जब आपका बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से आपको उसके लिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू करना चाहिए। तब जाके जब वो 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, तब हमें एक अच्छी सी रकम के सपनों को पूरा करने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। उसमें से सबसे पहला है कि आपको आपके बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। दूसरा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। तीसरा है, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है उसको बीच में से विड्रॉल यानी कि रिडम्शन करने से बचना चाहिए। जब तक हो सके उस पैसों को हमें भूल जाना चाहिए और उसे रिडम या विड्रॉल नहीं करना चाहिए। चौथा है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और पांचवा है कि आपको अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और अपने गोल के हिसाब से एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ये स्टेप्स ठीक से फॉलो करेंगे तो आप अपने और अपने बच्चों के सपनों को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू क्यों करना चाहिए, ये बात मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पर इस टेबल पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। टारगेट अमाउंट है जो 25 लाख है कि जब हमारा बेटा 18 साल का होगा तब मुझे 25 लाख रुपए अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए दिखाया है जिसमें इन्वेस्टेड अमाउंट पर रिटर्न सिर्फ 10% एज्यूम किया है और इन्फ्लेशन का रेट है वो 3% एज्यूम किया है। हमारे पास 18 साल है और अगर हमने 3 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो हमारे पास 15 साल है 25 लाख की अमाउंट जमा करने के लिए। तो हमें 10% रिटर्न के हिसाब से 8,126 रुपये हर महीने अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 15 साल के बाद 25 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर यही चीज़ आपने 6 साल पे शुरू की तो आपको मिलेगी सिर्फ 12 साल और उस 12 साल के लिए आपको करना पड़ेगा 11,372 रुपए। उसी लिए 9 साल के लिए 16,924, 12 साल की उम्र में आप करते हैं तो 28,245, और अगर 15 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और अगर आपको 25 लाख रुपये 18 साल में चाहिए यानी कि 3 साल के बाद, तो आपको जमा करना पड़ेगा 62,649 रुपये हर महीने। तो दोस्तों, आपको इस टेबल से तो अंदाजा आ ही गया होगा कि जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना कम अमाउंट में शुरू करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। अब हम देखेंगे कि ज़्यादा लंबे समय के लिए निवेश करने से क्या होता है, ये भी एक इल्यूस्ट्रेशन से हम समझेंगे। यहाँ पर इस ग्राफ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये की SIP हर महीने की है 18 साल के लिए और उसको सिर्फ 10% के हिसाब से उसका ग्रोइंग दिखाया है और एनुअल SIP टॉप अप 5% के हिसाब से भी दिखाया है दूसरे का। इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पर 3% है। तो दोस्तों, अगर हम नॉर्मल 10,000 रुपये की SIP हर महीने 18 साल के लिए करते हैं तो 18 साल के बाद हमारा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट होगा ग्रो होके 33,76,000। लेकिन अगर हमने सिर्फ 5% टॉप अप SIP की है इसके साथ में, तो हमारी फाइनल वैल्यू होगी 18 साल के बाद करीब 60 लाख जितनी। तो दोस्तों, इस ग्राफ से हमें जानकारी मिलती है जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और साथ में अगर हम SIP का टॉप अप कर सके तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर रिटर्न ऑलमोस्ट डबल जैसा ही हो जाता है। यहाँ पर ग्रोथ सिर्फ 10% के हिसाब से लिया है, हो सकता है कि 18% में आपको 12-17% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, आपके बच्चे का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप बस ये 3 स्टेप फॉलो कीजिए। उसमें से पहला है, गोल सेट कीजिए। दूसरा है, उसी गोल को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए।
और तीसरा है गिफ्ट ऑफ टाइम, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसे टाइम की गिफ्ट दीजिए। इसका मतलब है कि उसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए और उसे बीच में से कहीं रिडीम ना करें। और अगर SIP का टॉपअप करते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपको मिल ही नहीं सकता। अब यहाँ पर SIP के टॉपअप के बारे में एक इल्यूस्ट्रेशन डिटेल में दिखाया है, तो ये देखिए, एक पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए नॉर्मल SIP की है 15,000 रुपये और दूसरे बच्चे के लिए SIP टॉपअप की है 15,000 और वो भी 2,000 टॉपअप के साथ। तो जब पहले साल का इंस्टॉलमेंट होगा दोनों का 15,000 होगा, दूसरे साल से चाइल्ड ए के लिए 15,000 ही रहेगा लेकिन चाइल्ड बी के लिए 17,000 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब 15 साल ख़त्म होंगे तब इंस्टॉलमेंट चाइल्ड ए के लिए होगा 15,000 और चाइल्ड बी के लिए होगा 43,000। तो हमारा एज्यूम CAGR रिटर्न है करीब 10% और हमारा जो टाइम होराइजन था 15 साल का था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है चाइल्ड ए के लिए 27 लाख और चाइल्ड बी के लिए 52 लाख, करीब चाइल्ड ए से ऑलमोस्ट डबल जैसा। तो फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगी 15 साल के बाद वो चाइल्ड ए को मिलेगी 62 लाख और चाइल्ड बी को मिलेगी करीब 1 करोड़। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि सिर्फ 10% ही हमने रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न लिया है, हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। दोस्तों ये था SIP टॉपअप के बारे में। तो आपके बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए SIP टॉपअप आपको बेशक करना चाहिए। तो इसीलिए आपके और आपके बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए SBI ने एक नया NFO लॉन्च किया है जिसका नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है और ये चिल्ड्रन फंड कैटेगरी की स्कीम है, तो इसके अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 1 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अब इस फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये फंड इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम पोर्शन रहेगा 65% और मैक्सिमम रहेगा 100%। डेट का पोर्शन रहेगा 0 से लेकर 35%। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का रहेगा 0 से लेकर 10% और गोल्ड का रहेगा 0 से लेकर 20%। दोस्तों ये था इस स्कीम का एसेट एलोकेशन। अब इस स्कीम के फीचर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल पर ध्यान दीजिए, ये स्कीम ओपन एंडेड स्कीम है के अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड है, या तो फिर अगर आपका बच्चा मेजर हो जाता है यानी कि 18 साल तक हो जाता है तब तक। फंड मैनेजर है इक्विटी में मिस्टर आर श्रीनिवासन और डेट में है दिनेश आहूजा। बेंचमार्क इंडेक्स है इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव इंडेक्स। एग्जिट लोड है 3 साल के लिए 3% रिडम्पशन स्विच आउट 1 साल के पहले, 2% रिडम्पशन स्विच आउट 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से कम, और 1% रिडम्पशन है 2 से 3 साल के लिए और 3 साल के बाद इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये परचेस के लिए और एडिशनल परचेस है 1,000 रुपये। अब हम देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है। इसमें कोई भी माइनर बच्चा इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने नेचुरल या तो फिर लीगल गार्डियन के सहारे, लेकिन यहाँ पर जो भी माइनर के नाम से इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है और इन्वेस्टमेंट उस बच्चे के नाम पर ही हो सकता है। इस NFO का NFO पीरियड है 8 सितंबर 2020 से लेकर 22 सितंबर 2020 तक। तो दोस्तों ये थी जानकारी SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड NFO के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।